दोस्तों आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है और हर पार्टी अपना प्रचार करने में लगी हुई है कि उनकी पार्टी को वोट दें। अगर उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा है तो आपको भी वोट जरूर देना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी ने वोट दिया है या नहीं तो यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी उंगली पर लगी स्याही को देखें। आप ये तो जानते ही होंगे जब कोई वोटर वोट देने जाता है तो उसकी उंगली पर एक खास तरह की स्याही लगा दी जाती है जिसे पानी या फिर साबुन से मिटाया नहीं जा सकता है और यह फर्जी वोट से बचने के लिए लगाई जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह स्याही क्या होती है और यह इतनी आसानी से मिटती क्यों नहीं है? भारत के आजाद होने के बाद जब पहली बार हमारे देश में चुनाव हुए तो उस समय वोट डालने के बाद यह स्याही नहीं लगाई जाती थी, लेकिन फिर लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था और चुनाव आयोग को फर्जी वोट की शिकायत आने लगी थी। इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग को ऐसी स्याही का विचार आया जिसे आसानी से नहीं मिटाया जा सके। इसके लिए चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से एक ऐसी स्याही बनाने के लिए कहा जिसे पानी साबुन या फिर किसी रासायन केमिकल से मिटाया नहीं जा सके। और फिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने ऐसी एक स्याही बनाई जिसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता था। इसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी के NPL ने मैसूर पेंट वार्निश कंपनी को यह स्याही बनाने का ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि इस स्याही का पहली बार इस्तेमाल साल 1962 के चुनाव में किया गया था और उस समय से अब तक इसी स्याही का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में इसी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में ही होता है। आपने देखा होगा कि ये स्याही आप कितना भी मिटाने की कोशिश करें ये नहीं मिटती है। तो आपको बता दें कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसकी वजह से यह स्याही फोटोसेंसिटिव नेचर की बन जाती है, मतलब ये प्रकाश से परावर्तित हो जाती है। जब ये स्याही धूप के संपर्क में आता है तो और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जब ये स्याही लगाई जाती है तो भूरे रंग की होती है, लेकिन लगाने के कुछ देर बाद ही ये बैंगनी रंग की हो जाती है। जब ये स्याही आपकी उंगली पर लगाई जाती है तो इस स्याही में पाए जाने वाला सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में पाए जाने वाले नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और ये सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलता। आपको बता दें कि इसे पानी या फिर साबुन या फिर किसी केमिकल से साफ नहीं किया जा सकता है। इसका जो निशान होता है वो तभी निकलता है जब त्वचा की कोशिकाएं पुरानी हो जाती है और वह हटाने लगती है। चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही बहुत जल्दी सूख जाती है और जैसे ही ये स्याही उंगली पर लगती है वैसे ही अपना निशान छोड़ देती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही क्या होती है और ये क्यों नहीं मिटती।